हरी हरी बोल। मेरा नाम राशि गुप्ता है और मैं पठानकोट की रहने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अप्रैल 2018 में गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी। गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मैंने भगवद गीता का अध्ययन किया और मैंने अपने मेंटर से नामचा की इम्पोर्टेंस सीखी। फ्रेंड्स, नामचा, आप सोचोगे नामचा क्या होते हैं? नाम जाप होते हैं कि जब हम भगवान जी का नाम रेपिटेशन में लेते रहते हैं और उसे नाम जाप कहते हैं। फ्रेंड्स, नाम जाप माला में भी हो सकता है और टेलीकाउंटर में भी हो सकता है। मैं पहले सोचती थी कि माला में हम नाम जाप तो करते हैं लेकिन मन तो लगता नहीं, तो फिर नाम जाप करने का क्या फायदा? तो फ्रेंड्स, ये हमारी मेरी मिथ जो है वो गोलक एक्सप्रेस के मेंटर्स ने तोड़ी कि देखो हमारा स्कूल जाने में कौन सा मन लगता था छोटे होते, लेकिन हमें पेरेंट्स भेजते थे ना स्कूल में, बिकॉज उन्हें पता था कि हमारे लिए ये बेनिफिशियल है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे हमारा जॉब करने का मन तो कभी कभी करता ही नहीं है, जाने को दिल नहीं करता, लेकिन हम फिर भी जाते हैं बिकॉज वो हमें पता है कि हमें पैसे तभी मिलेंगे अगर हम जाएंगे। तो इसी तरह से भगवान जी का नाम जाप भी हमें जरूर करना है। बेनिफिट आपको दिखेंगे, धीरे धीरे दिखेंगे, अगर हम करते जाएंगे करते जाएंगे, आप उसका बेनिफिट जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब नाम जाप करना शुरू किया तो मुझे बहुत से बेनिफिट हुए। जैसे मैं बहुत ज्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करती थी, बहुत ज्यादा सोचती थी, अगर कोई मुझे कुछ कहता था तो मैं वही सोचती रहती थी और ऐसे ही अपना सारा दिन वेस्ट कर देती थी। कभी एक से बात कर, कभी दूसरे से बात कर। लेकिन जब मैंने नाम जाप करना शुरू किया तो मेरी वो एक्सेसिव थिंकिंग की आदत खत्म हो गई। मैंने वो सोचना ही बंद कर दिया कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या नहीं, क्योंकि जब मेरे अंदर भगवान का नाम चलने लगा तो मुझे लगा कि मेरी सारी बातें तो भगवान सुन रहे हैं, तो मैं किसी और से क्यों करूं, क्योंकि वो ही मेरे सबसे ज्यादा अपने क्लोज हैं। फ्रेंड्स, मेरा भगवान के साथ जो रिश्ता है ना वो ज्यादा मतलब स्ट्रांग होने लगा, फेथ बढ़ने लगा उन पर। जब मैंने नाम जाप शुरू किया तो जैसे कोई भी परिस्थिति आए तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, मुझे लगता था कि भगवान जी तो मेरे साथ है, तो वो जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहते, तो भगवान जो है वो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो मेरे लिए जैसा भी करेंगे अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, नाम जाप का मुझे तो बहुत ज्यादा असर पड़ा और मैं सबको यही गाइड करूंगी, आप सब भी नाम जाप जरूर करो। फ्रेंड्स, हमारे अंदर बहुत ज्यादा अंदर से शांति फील होती है, उससे मेरा मन स्टेबल होने लगा। जो मेरा मन था पहले, मेरा मन नहीं लगता था, वो धीरे धीरे मेरा मन लगने लगा। भगवान, मेरा मन करेगी मैं और ज्यादा करूँ और ज्यादा करूँ। जो मैं पहले एक माला करने के लिए स्ट्रगल करती थी और धीरे धीरे मुझे उसमें इतना मजा आने लगा कि मेरा मन करे मैं और ज्यादा करूँ। और तो और, हमारे गोलक एक्सप्रेस में जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं उनके एक्सपीरियंसेस सुन के और भी ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलती है। से वो 108 मालास करते हैं, कोई 150 तक करता है, जब उनको देखते हैं तो हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलते हैं कि हमें भी और ज्यादा माला करनी है और ज्यादा भगवान जी के करीब जाना है। फ्रेंड्स, ये मनुष्य जन्म हमें मिला है तो वो तो हमें भगवान जी के लिए भक्ति के लिए मिला है ना, तो हम क्या करते हैं, मटीरियल वर्ल्ड में खो जाते हैं और भगवान जी का नाम भूल जाते हैं। और भगवान जी खुद कह रहे हैं भगवद गीता में कि जो अंत समय में मेरा नाम लेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो अगर हम शुरू से ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम अंत समय में भगवान जी का नाम कैसे लेंगे? अगर हम शुरू में और सारी लाइफ में पैसे को याद करेंगे या अपने बच्चों को या रिलेशंस को याद करते रहेंगे, उनका नाम लेते रहेंगे, तो अंत समय में हमें वही याद आएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान जी के प्रिय बने, भगवान जी के धाम जाएं, तो हमें हर पल हर समय इस कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान जी का नाम जाप करते जाएं। फ्रेंड्स, हम अब मैं अपना काम भी जब करती हूँ तो भगवान का नाम लेते लेते करती हूँ, तो मेरा काम बड़ी जल्दी हो जाता है और मुझे काम करने में मजा भी आता है। तो फ्रेंड्स, अब नाम जाप मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा बन चुका है, मुझे बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। और जो मेरी मिथ्स थी वो भी टूटी कि मन नहीं लगता तो नहीं करना चाहिए या बुढ़ापे के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी मिथ्स मेरे मेंटर्स ने तोड़ी। अब मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि आप सब भी भगवान जी के साथ
अपना नाम छाप बढ़ा के जुड़िए, चाहे आप जिस भी भगवान को चाहते हैं, जिस भी भगवान को पसंद करते हैं, आप उन्हीं का नाम लेना शुरू कीजिए और भगवान जी के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु, केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरी हरि बोल, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।